में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जहां मरकजी सरकार अपनी नाकामियां छुपाने के लिए हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने का खेल खेल रही है और हिंदुओं को मुसलमानों को और मुसलमानों को हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन बना के पेश कर रही है। वहां जम्मू कश्मीर वाहिद एक ऐसी रियासत है जहां अभी भी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, आपस में मिलके रह रहे हैं। ऐसे में तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों पे यह फर्ज आयद होता है कि हम जो हमारे बीच में रहने वाले, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे हमारे सरदार भाई हो, उनके साथ न सिर्फ खड़े रहें बल्कि 1947 में जिस तरह से हमने उनके मालो जान की हिफाजत की थी और गांधी जी को उस वक्त जम्मू कश्मीर से एक उम्मीद की किरण नजर आई थी, उसी तरह से हमें चाहिए आज हम अपने माइनॉरिटीज के साथ यहां खड़े रहें। इसलिए मैं अपने तमाम लोगों से इल्तिजा करती हूं कि आज जुम्मे के दिन तमाम मस्जिदों में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की हिफाजत की पुरजोर वकालत की जाए और साथ ही में जो जम्मू कश्मीर का जो भाईचारा है, जो जम्मू कश्मीर का जो इतिहास रहा है, जो हिस्ट्री रही है कि हम इकट्ठे रहने वाले लोग हैं, एक सेक्युलर स्टेट है, पूरे मुल्क को मैसेज दे ताकि मुल्क में जो इस वक्त सरकार है उनको मुसलमानों को बदनाम करने का मौका ना मिले।